दोस्तों कैसे हो, मैं हूँ राजवीर सागर, मल्टी ब्रांड टू ब्लेड टेक्नीशियन, और आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल एआरए ब्रदर्स। तो दोस्तों एक छोटी सी बात आपसे शेयर करनी है। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास इंस्टाग्राम पर एक मैसेज आया था जिसमें लिखा हुआ था, भाई मेरे से पूछ रहे थे कि भाई मेरे को इतना ज़्यादा डर लगता है अपनी स्कूटी को वॉश करने में कि मैं गाड़ी को वॉश करता ही नहीं, मैं सिर्फ गीला कपड़ा लेता हूँ, बॉडी पर मार के रगड़ के चमका के छोड़ देता हूँ, मैं इसको वॉश नहीं कराता। रीज़न मैंने पूछा भाई ऐसा क्यों, क्योंकि उन्होंने बताया भाई मेरी गाड़ी जब भी मैं वॉश करवाता हूँ तो मेरी गाड़ी वॉश करने के बाद स्टार्ट ही नहीं होती, मैं दुखी हो जाता हूँ, एक एक घंटे आधे आधे घंटे सेल्फ मारते रहो बैटरी डाउन हो जाती है, बट गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। फिर मैंने पूछा भाई गाड़ी स्टार्ट होती कैसे है, तो भाई उन्होंने बताया गाड़ी स्टार्ट होती है गाड़ी थोड़ा सा रुकने के बाद, थोड़ी ठंडी मतलब एक तरह से थोड़ा सा सूखने के बाद, प्रॉपर तरीके से सूख जाती है उसके बाद गाड़ी स्टार्ट होती है, या किसी मैकेनिक पे ले जाता हूँ मैं, वो पता नहीं कुछ चीज़ें करता है उसके बाद गाड़ी स्टार्ट कर पाता है, किसी मैकेनिक पे ले जाता हूँ वो कुछ चीज़ें करता है, कुछ हवा वगैरह मारता है, कुछ करता है, उसके बाद गाड़ी स्टार्ट होती है। तो मैंने पूछा भाई करना क्या, तो बोला भाई एक वीडियो बना दो जिसके ऊपर मैं बता सकूँ, समझ सकूँ कि हाँ इसमें ये कर दे काम, उसके बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके पास स्कूटी गाड़ी है या कोई सी भी ऐसी मोटरसाइकिल है या स्कूटी है जो धुलवाने के बाद गाड़ी बंद होती है, स्टार्ट ही नहीं होती या मिसिंग करती है, तो आप करोगे क्या जिससे गाड़ी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। सबसे पहला पॉइंट, गाड़ी जब वॉश होती है तो वॉश होने के बाद जो प्रेशर की बहुत तेज़ धार होती है ना, वो क्या करती है, वो कपलरों के अंदर चले जाता है, पानी का जो ड्रॉप होता है, छोटी छोटी बूंदे होती है पानी के, वो कपलर में चले जाती है। सबसे पहला कपलर कौन सा होता है हमारी गाड़ी का, अगर वैसे तो कपलर बहुत सारे होते हैं बट जो मैग्नेट की कॉइल के कपलर होते हैं वहाँ पर पानी चले जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल ये देखो, ये मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, मैं आपको एक एग्जांपल को थोड़ा समझा रहा हूँ, आप स्कूटी को समझ सकते हैं। जो हमारी गाड़ी के अंदर मैग्नेट में करंट जो बनता है, वो करंट की जो कॉइल होती है उसके जो कपलर होते हैं, वहाँ पानी जाने से वो करंट की सप्लाई प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी स्टार्टिंग में दिक्कत करती है। अब वो कौन से कपलर होते हैं, देखो ये रहे कपलर, अगर आपकी स्कूटी है तो ये कपलर होते हैं कुछ इस तरीके के, आओ मैं दिखाता हूँ थोड़ा पास आओ, ये देखो। अगर हम बाई चांस मान के चलो हम गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अब हमारा ये तार इसके अंदर हमारा पानी भर गया है, इस वाले वायर के अंदर पानी भर गया है, ठीक है, तो बिलीव करो आप ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पाएगी अगर ये पानी इसमें भर गया है, क्योंकि ये ब्लू वाली वाइट वाली मेन वायर होती है जिसकी वजह से हमारी गाड़ी में करंट आता है। दूसरी चीज़ ये वाली वायर, इस वाली वायर में पानी जाएगा तो भी दिक्कत करेगी, ठीक है, इस वाली वायर में जाएगा कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये वाली वायर से आपका स्टार्टिंग का लेना देना कुछ नहीं है, ये सिर्फ सेल्फ की मोटर की वायर है, ठीक है ना, ये हैवी वायर होती है जो सेल्फ की मोटर से कनेक्ट होती है। देखो ये रही, दिख रही है, ये देखो ये रही, ये सेल्फ की मोटर पर गई हुई है, यहाँ कोने में सेल्फ की मोटर है, कोने में ये रही। अब दूसरी चीज़, इसके अलावा होता है हमारी गाड़ी का आगे का प्लग अडाप्टर, जो प्लग अडाप्टर होता है वो हमारी गाड़ी में नीचे लगा होता है इधर की तरफ, तो कोई भी बंदा जब सेल्फ मतलब गाड़ी को वॉश करता है तो यहाँ कोने से निकाल के अंदर करके यहाँ से पानी का प्रेशर मारता है तेजी से। अब वो भी अपनी जगह सही है, क्यों, क्योंकि उसे पता है अगर वो गाड़ी को सही से वॉश नहीं करेगा तो जो मकैनिक जो मालिक है गाड़ी का वो उसे ब्लेम करेगा, भाई मेरी गाड़ी सही से वॉश नहीं करी है। काफ़ी सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो गाड़ी को लेटा के वॉश कराते हैं, ठीक है, तो ये उस सिचुएशन में होता क्या है, जो हमारी गाड़ी का ये जो प्लग होता है प्लग अडाप्टर, इसको प्लग अडाप्टर बोलते हैं, ठीक है, और इसको स्पार्क प्लग बोलते हैं। ये देखो यहाँ टेप मार रखी है, ठीक है ना, तो यहाँ टेप मार रखी है, तो ये जो ठीक है टेप मार रखी है, बट टेप कामयाब नहीं होती है यहाँ पर, यहाँ पे क्या होता है पानी भर जाता है, और यहाँ पानी भर जाता है जिसकी वजह से हमारी गाड़ी में स्पार्किंग प्रॉपर नहीं हो पाती है और हमारी गाड़ी स्टार्टिंग की परेशानी में आ जाती है, ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं एच टी कॉइल की, एच टी कॉइल हाई टेंशन कॉइल, इसका नाम है एच टी कॉइल, एच टी मतलब हाई टेंशन कॉइल, ठीक है, यहाँ पर ये क्लिप जो होती है अगर ये लूज होंगी क्लिप तो इन लूज क्लिप के अंदर भी पानी चले जाएगा जिसकी वजह से हमारी गाड़ी की करंट की सप्लाई दिक्कत करेगी, ठीक है, ये क्लिप होती है, ये अर्थ की क्लिप होती है, इसमें भी दिक्कत आएगी अगर आएगी दिक्कत, ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं आगे की, तो आगे की तरफ एक CDI होती है, CDI के जो कपलर होते हैं उसमें भी पानी चले जाता है और वो पानी जाने की वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। अब सोचो यार, एक कपलर नहीं, दो कपलर नहीं, तीन कपलर नहीं, चार से पांच ऐसे कपलर होते हैं जिनमें पानी जाने की वजह से आपकी गाड़ी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम करती है। एक बात आपको गहराई में समझनी पड़ेगी, क्या अगर गाड़ी में एक कपलर की समस्या है तो उसे सॉल्व कर दिया जाए, पर अगर चार चार पाँच पाँच जगह से करंट सप्लाई स्लो आ रही है तो गाड़ी स्टार्ट होना ना होना बहुत बड़ी मुश्किल बात हो जाती है। अगर आपने अपनी गाड़ी में फूक फूक करके करोगे तो गाड़ी स्टार्ट होने के चांसेस 1% बढ़ जाते हैं, बट अगर आपकी गाड़ी में एयर गन लगेगी तो आपकी स्टार्टिंग प्रॉब्लम जो है वो चांसेस जो है कम हो जाते हैं, बिल्कुल ही कम हो जाते हैं, एक तरह से 90% गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। बट इससे बचने के लिए, समस्या को दूर करने के लिए आप करोगे क्या, देखो यार मैं इस पर वैसे भी वीडियो बना चुका हूँ बहुत बार, काफ़ी बार, फिर भी सोचा एक बार आपके शेयर करूँ। वैसलीन आती है, वैसलीन जो होठों पे लगाते हैं, वैसलीन वाइट कलर की वैसलीन होती है, वो वैसलीन लेना आप, उसको बोलते हैं पेट्रोलियम जेली बोलते हैं उसको। अगर आप किसी कंपनी में जाते हो उनसे बोलना भाई मुझे अपनी गाड़ी में वायरिंग के अंदर पेट्रोलियम जेली की एक छोटी सी वो करानी है, सिर्फ सर्विस करानी है, वो क्या करेंगे पेट्रोलियम जेली से आपकी जितनी भी वायरिंग के कपलर होते हैं, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, वायरिंग के कपलर जितने भी होते हैं जिनसे करंट सप्लाई होती है गाड़ी में स्टार्टिंग की, वो उस कपलर के अंदर पेट्रोलियम जेली डाल देंगे।
अब कवर ऐसा नहीं है कि बैकलाइट का कपलर खोला पेट्रोल इंजन जली डाल दी, ठीक है, इंडिकेटर कपलर खोला पेट्रोल इंजन जली डाल दी, नहीं 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 वो तो एक अलग मैटर हो जाएगा, वो बेकार है, किसी काम का नहीं है। जिनसे गाड़ी की करंट सप्लाई बनती है, जिनसे गाड़ी स्टार्टिंग से रिलेटेड कपलर होते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया आपको ST कॉयल, हाई टेंशन कॉयल, उसके अलावा मैग्नेट कॉयल, आपका प्लग अडाप्टर, CDI, ठीक है, ये सारी कॉयलों के जो कपलर होते हैं, कपलर वो कपलर लूज होने पर उसमें पेट्रोलियम जाली अगर डाल दी जाए तो वो कपलर में पानी नहीं जाता है। आप थोड़ी सी पेट्रोलियम जाली पानी में डाल देना, वो ऊपर तैरती रहेगी, पानी में मिक्स नहीं होगी। क्यों? क्योंकि पेट्रोलियम जाली इसीलिए काम आती है, क्यों, कहने का मतलब यार साइंस में नहीं जाना, बस इस पर बात बता रही है। अब ये या पेट्रोलियम जाली लगाने से ये कपलर वाटर प्रूफ हो जाएंगे, वाटर प्रूफ मतलब पानी के आप हल्का सा बरसात में भी चलाओगे ना गाड़ी को तो भी आपकी गाड़ी में स्टार्टिंग प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी कीमत पर। अगर आप गाड़ी धुल भी दोगे ना, धुलने के बाद भी ये गाड़ी बंद नहीं होगी ना मिसिंग करेगी, बस आपको ध्यान रखना है। और हाँ एक चीज़ और, जो हमारी गाड़ी का इग्निशन लॉक होता है उस इग्निशन लॉक में भी आपको पेट्रोलियम जाली करवानी है। पेट्रोलियम जाली आपको मैं बोल रहा हूँ, आप वैसलीन मान के चलना, आप बोरो प्लस वगैरह का यूज़ मत करना, ना लिपलॉस का करना, वैसलीन एक प्रॉपर वाइट कलर की डिब्बी आती है, नीले कलर का ढक्कन होता है, वही आपको यूज़ करनी है अपनी गाड़ी के अंदर, ये चीज़ आपको खास कर ध्यान देना है, बाकी उसके बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मोटरसाइकिल का भी बता देता हूँ, मोटरसाइकिल में क्या होता है, देखो मोटरसाइकिल में भी CDI होती है, ठीक है, मोटरसाइकिल में मैग्नेट कॉइल होती है। आओ मोटरसाइकिल का बता देता हूँ मैं, देखो ये है हमारी गाड़ी की मोटरसाइकिल, ठीक है ना। अब ये जो मोटरसाइकिल है इसके अंदर ये वाले जो कपलर होते हैं ये तो किसी काम के नहीं है, या पेट्रोल इंजन जली करो या मत करो, कोई फ़ायदा नहीं है। पर ये जो चार्जर का होता है यहाँ भी आप पेट्रोल इंजन जली करो मत करो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट इस टंकी के नीचे कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे कपलर होते हैं जिन पर आपको पेट्रोल इंजन जली करनी पड़ती है। मैं आपको टंकी खोल के दिखा देता हूँ, ये हम गाड़ी की पेट्रोल ऑफ करते हैं, ये हमने ये देखो, अब यहाँ देखो ये CDI है, ठीक है, ये हमारा मैग्नेट कपलर है, मैग्नेट कॉइल का कपलर, इसमें सिर्फ एक ही कपलर होता है, स्कूटी की तरह इसमें चार चार कपलर नहीं होते, इसमें सिर्फ मैग्नेट कॉइल का ही एक कपलर होता है, सिंगल एक कपलर, सिंगल कपलर बस, ठीक है। अब ज़्यादातर क्या होता है, ये जो हमारा कपलर है इसके अंदर पानी चले जाता है, देखो इसके अंदर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पेट्रोल जली लेनी है, इसमें घुसेड़ देनी है सारी, इसमें लगा दी और इसके बाद इसको डायरेक्ट अंदर, और इससे पहले क्लीन कर लेना WD-40 से, ठीक है। और ये देखो CDI हमारी, ये CDI होती है, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो CDI है इसके अंदर ये जो कपलर दे रखे हैं आपको, अब इस वाले कपलर में बेशक पेट्रोलियम जाली ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, पर इस वाले कपलर में ये जो व्हाइट और रेड कलर की वायर दिख रही है ये हमारी मेन वायर होती है, इसके कपलर के अंदर आपको पेट्रोलियम जाली जरूर लगानी है। पेट्रोलियम जाली लगाओगे कैसे, सिंपल में लगाना है आपको, कुछ नहीं है, यहाँ पेट्रोलियम जाली लगाई, इसके अंदर थोड़ा सा लगा दिए और उसके बाद सीधे अंदर, पर इससे पहले WD-40 स्प्रे से आपको ये क्लीन करनी है। अगर ऐसा नहीं करोगे आप तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, पैसे और टाइम दोनों चीज़ वेस्ट हो जाएगी। खर्चा कितना आएगा, सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ तो ये होती है, खर्चा मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारी गाड़ी में खर्चा होता है पेट्रोलियम जाली का वो डिपेंड करता है मैकेनिक के ऊपर। पेट्रोलियम जाली की कीमत सिर्फ 50 रुपये से 30 रुपये 40 रुपये की आती है, ज़्यादा नहीं आती, डिपेंड करता है बंदा लेबर कितनी ले रहा है। कोई बंदा 150 रुपये में भी पूरी गाड़ी ओके कर देता है, कोई बंदा 250 में भी करता है। और वो गाड़ी अगर बहुत ज़्यादा वायरिंग वाली है, जैसे पल्सर RS है ऐसा कुछ, ऐसी गाड़ी है जिसमें वाइजर बहुत ज़्यादा है, प्लास्टिक बॉडी बहुत ज़्यादा है, तो वो 350-400 रुपये भी ले सकता है। बट वो अगर सही तरीके से पेट्रोल जली करेगा तो आपकी गाड़ी की समस्या हैंड टू हैंड सही हो जाएगी। ऐसा नहीं कि भाई अभी करिए और 4 दिन बाद ठीक होगी, नहीं, हैंड टू हैंड ठीक होगी जाएगी। और ये काम करने के बाद आप एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताना, अगर आपके साथ कोई गाड़ी है और आपके साथ ये कोई परेशानी है, समस्या है, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करके इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, रिप्लाई कुछ टाइम बाद आएगा, बताएगा जरूर, या फिर मेल करके अपनी समस्या के बारे में बता सकते हो। बाकी ये वीडियो कैसी लगी है एक बार कमेंट करके जरूर बताना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।